राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह के अवसर पर 42,478 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं 58,189 ग्राम सचिवालयों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार का भी वितरण किया। सही मायने में सरकार आपके कार्य क्षेत्र में ही कार्य करती है, यानी विकास की धुरी का आधार कोई बनता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हमारी ग्राम पंचायत ग्राम विकास की धुरी बननी चाहिए, उस धुरी के आधार आप ही हैं। और इसलिए आज आप जब लखनऊ में आए हैं तो आपसे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज ये सम्मेलन यहां पर आहूत किया। ग्राम उत्कर्ष समारोह हो सके, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 2018 में गांव ग्राम पंचायतों में अच्छा कार्य करने वाली कुछ ग्राम पंचायतों को सम्मानित करना प्रारंभ किया था। आज 346 ग्राम पंचायतों से सम्मानित हुई है, जिनमें से 5 ग्राम प्रधानों को मंच पर बुलाकर के भी सम्मान दिया गया। और अभी 3 नए कार्यक्रम तो हुए हैं, बाकी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी बाद में घोषित होने वाली है, मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जिनमें 42,478 नए ग्राम सचिवालयों का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं सभी ग्राम प्रधानों को इनमें से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन साथ साथ यहाँ पर भाइयों बहनों, प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में भी अब सचिवालय के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। क्या आज यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हम लोग करने जा रहे हैं। एक परियोजना में ग्राम पंचायतों में प्रति कार्य जो वित्तीय और प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारों में वृद्धि की व्यवस्था है, अब तक हम लोग इस दिशा में जो कार्य करते थे वह अब तक प्रति कार्य 2,00,000 की थी, इस वर्तमान सीमा को बढ़ाकर के हम लोग 2,00,000 से बढ़ाकर के 5,00,000 करने जा रहे हैं। दूसरा, थोड़ा सुनते जाइए, अभी एक एक उस पर ताली बजाना, फिर बैठ भी जाना, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी बता देंगे ना सभी चीजों को। दूसरा, जिला पंचायतों के लिए भी वर्तमान में 10,00,000 की सीमा को बढ़ा करके 25,00,000 किया जा रहा है। आपके एस्टिमेट बनाने एमबी कराने का कार्य अब तक विकास खंड के नामित अभियंता के अतिरिक्त के द्वारा किया जाता था, लेट होता था, 1 महीना 2 महीना और कभी कभी बहुत सारी शिकायतें मिलती थी। अब हमने तय किया है इसमें लोक निर्माण विभाग, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, आरईएस, लघु सिंचाई विभाग, मंडी समिति, जिला पंचायत के अवर अभियंता, जल निगम के अवर अभियंता, सहायक अभियंता से भी आप इस कार्य को करा सकते हैं, वह मान्य होगा। पंचायती राज निदेशालय द्वारा जनपदों के लिए तैयार किए जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा डिग्री होल्डर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के पैनल द्वारा भी एक निर्धारित फीस पर एस्टिमेट बनाने एमबी बनाने का कार्य अब आप करा सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस कार्य को और आसान करने और कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की, इस कार्य को हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, भौगोलिक रूप से समीपवर्ती परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती की जाएगी और इसके लिए पूरे प्रदेश में 15,000 क्लस्टर बनाए गए हैं। अब इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि लोगों को दूर दूर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों,
ग्राम पंचायत के कोष की स्थापना का कार्य सरकार करने जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान यदि दुखद मृत्यु होती है तो ग्राम प्रधान, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत और अध्यक्ष जिला पंचायत को 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत को 5 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत को 3 लाख और सदस्य ग्राम पंचायत को 2 लाख की राशि मृतक आश्रित के रूप में उनके परिवार के लोगों को प्राप्त होगी। यह नई व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। 12 दिसंबर से अन्न योजना वितरण की कार्रवाई प्रारंभ की है। हर जरूरतमंद को अन्न मिले, एक दूसरा, ग्राम पंचायत में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा कि हम लोग उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयारी कर ले। ये आपकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका होगी। एक बार फिर से आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्रवर प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।